अस्सलामुअलैकुम भाइयों बहनों बच्चों, कैसे हो सारे। अच्छा पहली बात तो ये मैंने आज बहनों क्यों ऐड की है यार। ये जो ट्रेलर मैं डाल रहा हूँ ये मैं अपनी बहनों के लिए डाल रहा हूँ, और ये मैं जो प्लान मैं करने वाला हूँ ये मैं डेडिकेट करने वाला हूँ अपनी बहनों को, क्योंकि मुझे साक्षात पता लगा है कि मेरे चैनल पर बहुत सारी बहनें भी सब्सक्राइबर्स हैं मेरी। और चूँकि मतलब यूजली औरतों को लड़कियों को पसंद नहीं होता मोटो व्लॉगिंग या बाइक्स वगैरह, इनमें इतना शौक़ नहीं होता, तो मैं बड़ा सरप्राइज हूँ और मैं शौक भी हूँ, दोनों एक साथ हैं, और इन दोनों के जो एहसास हैं वो मैं आपको बयान नहीं कर सकता। तो खैर मैं तो सोचा थोड़ा शुगर मेरा लगा लिया जाए आज व्लॉग में। अच्छा भाई, मैंने कुछ दिन पहले यूट्यूब पे एक पोल डाला, पोल कहेंगे पोलिंग कहेंगे, मतलब आप पोल से वो खंभा ना समझ लीजिएगा जो बिजली का पोल नहीं होता, नहीं वो नहीं है, दूसरी पोलिंग जो होती है जिसमें वोट करते हैं आप, वो मैंने डाला। मैंने अपने प्यारे बहन भाइयों से पूछा, अपने व्यूअर्स से पूछा, अपने खूबसूरत दर दिल आवेज सब्सक्राइबर से पूछा कि क्या मुझे पहाड़ी इलाकों में जाना चाहिए या तो मुझे फिर प्लेन एरियाज में जाना चाहिए, मेरा नेक्स्ट ट्रिप कहाँ का होना चाहिए। और वोट कम आए लेकिन आए, ठीक है। तो उनकी बुनियाद पर, ऑन द बेसिस ऑफ दोज वोट्स, मैंने तय किया है, मैंने फैसला लिया है यार, मैं ज़िंदगी में फैसले बड़े लेता हूँ, तो मैंने डिसाइड किया कि यार क्यों ना प्लेन एरिया में जाया जाए। पहाड़ देख लिए मैं, और भी देखने हैं, लेकिन आजकल बहुत ठंड है तो पहाड़ों पर बहुत ठंड होगी, ठंडी ठंडी लगेगी, तो इसलिए प्लेन एरिया की तरफ जाना चाहिए। और मेरा प्लान जो है वो मतलब गरीब बंदा हूँ, खर्चीला नहीं हूँ, जेब हल्की होती है, तो इसलिए दो दिन और एक रात यूजली वीकेंड का प्लान होता है मेरा। तो अब भी वीकेंड का प्लान है नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीकेंड, यानी कि एक तो ये वाला वीकेंड है इसको हम करवाएंगे डिच, और हम अगले वीकेंड पे जाएंगे, क्योंकि बीच में थोड़ा सा और ज़रा मतलब अब नेक्स्ट वीकेंड पे और ज़रा अच्छा मौसम हो जाएगा, ठंड ज़रा ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि जिस प्लेन एरिया का मैं आपको बताने वाला हूँ वहाँ पर अन्नी किस्म की गर्मी होती है भाइयों बहनों और बच्चों। तो मैंने डिसाइड किया, मैंने थोड़ा सा अच्छा बाय द वे मुझे सजेस्ट किसने किया है, मुझे वाइल्ड लेंस एब्रार चैनल जो है, एब्रार भाई जो है हमारे, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि यार व्हाई शुडंट यू गो टू मुल्तान। मैंने कहा भाई ठीक है लेकिन बहुत गर्मी होती है वहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि यार इन दिनों में जा सकते हो, इन दिनों में चक्कर लगा लो आप। अब मेरा मुल्तान का प्लान बन चुका है, प्रेपरेशन की बात है जहाँ तक तो कुछ खास नहीं, असेंशियल्स होंगे मेरे साथ, वही टॉप बॉक्स, सैडल बैग्स, टैंक बैग्स, व्लॉगिंग मतलब कैमरा रिलेटेड सारी चीज़ें मेरे पास, उसके अलावा चार्जर फलां ढमकाना ये सब चीज़ें मैं रखने वाला हूँ पास। और मैं सैटरडे को आई विल लीव ऑन सैटरडे एंड आई विल बी बैक ऑन संडे इवनिंग टू लाहौर, लाहौर टू मुल्तान, मुल्तान टू लाहौर, और बीच में हम लोग भाई जान जाएंगे उखाड़ा, फिर जाएंगे साहिवाल, फिर जाएंगे हम लोग खानेवाल, फिर हम पहुँचेंगे मुल्तान। अच्छा मुल्तान में खास क्या है यार, मुल्तान देखो मुल्तान सूफियों का शहर है मेरे भाई, भाई बहन बच्चों, अब मैंने तीनों बोला करने। तो मैंने प्लान किया कि मैं थोड़ा सा मज़ारों पे जाऊँगा, उसके बाद जी मैं एक कासम फोर्ट है वहाँ पर, बहुत बड़ा किला है भाई, वहाँ पर जाना पसंद करूँगा। उसके बाद उनके छः कोई दरवाजे हैं, बड़े दरवाजे हैं, और वहाँ पर जाना पसंद करूँगा, उनको देखूँगा, वो अंदरून असल में वो कहते क्या कहते हैं वॉल्ड सिटी है कोई उनका भी मुल्तान का, तो मेरा इश्तियाक हुआ है वो देखने का, क्योंकि इससे पहले मैं सिर्फ हम लोग जो है वो बचपन में ट्रेन में आते जाते थे और हम मुल्तान पर आते थे तो मुल्तान का पता लगता था, स्टॉप आ गया भाई, एक मुल्तान का जंक्शन आ गया, वहाँ पर आधे घंटे के लिए ट्रेन रुकती थी, उसके अलावा मैंने मुल्तान कभी नहीं देखा। जिस सब्सक्राइबर को सोन हलवा चाहिए प्लीज़ आप कमेंट करें, आपके घर पे पहुंच जाएगा सोन हलवा इंशाल्लाह। बाकी असल में यार गरीब बंदों को थोड़ा सा पैसा जब आ जाए ना गरीबों के पास, हम जैसे गरीबों के पास जब थोड़ा सा पैसा आ जाए तो फिर वो ऐसे ही खर्च करते हैं, तो मैंने सोचा थोड़ा सा खर्च कर लें दो दिन के लिए और साथ ब्लॉग भी बना लें, साथ आप लोगों को मुल्तान भी दिखा दें, ठीक है। बाकी अच्छा एक चीज़, ओहो भाई हैवी सीन हो गया भाइयों बहनों बच्चों, हैवी सीन हो गया, वो ये हुआ है कि मैं अभी 500 सब्सक्राइबर्स के का जश्न मना रहा था, मतलब ऐसा मैंने कोई क्लास का जश्न मनाया, और मैंने ठीक एक माह बाद भी नहीं बल्कि 3 हफ्ते बाद मैंने अभी अपना डिटेल्स चेक करा था तो उसमें 615 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। भाई ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब ये तो बात बहुत अनोखी हो गई है।
नहीं ऐसा नहीं लगता, मतलब मुझ जैसे गरीब बंदे को आप लोगों ने 615 सब्सक्राइबर्स दे दिए यार, क्या क्या मतलब इतना पसंद आ गया मैं भाई, मतलब भाई इमोशनल हो रहा है अब आपका, सेंटिमेंटल हो रहा है, मतलब जज्बात बाहर आ रहे हैं, उबल रहे हैं, मतलब ऐसे ऐसे साथ बाहर डुल रहे हैं, डुलने का मतलब है गिर रहे हैं। तो खैर, तो ये एक और चीज़ बड़ी हैरान कन थी। अच्छा, मैंने कुछ नोट किया है कि मतलब मैं नोट बड़ा करता हूँ और मैं डिसीजंस बड़े लेता हूँ। अच्छा, मैंने नोट ये किया है कि कुछ लोग मेरे कमेंट्स में मेरे सब्सक्राइबर्स प्यारे प्यारे खूबसूरत खूबसूरत से जो सब्सक्राइबर्स हैं मेरे, वो जो है नीचे कमेंट करते हैं कि जैद भाई आपने अगर जाना है तो हमें भी ले जाएं। भाइयों, खुली डुली ऑफ़र, जिसने मेरे साथ आना है आ जाएँ। 18th ऑफ दिस मंथ, वो वाला वीकेंड मैं प्लान कर रहा हूँ, और जिसने मेरे साथ जो है वो आना है, वरना अगर नहीं आना तो मैं और मेरी तन्हाई आप इसी में बात करेंगी। तो इसलिए जिसने प्लान करना चाहते हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और मेरी ईमेल पे कांटेक्ट करें मुझे, और हो सके तो फेसबुक चैनल पे भी मैसेज कर सकते हैं, मैं हमेशा आप लोगों के लिए अवेलेबल हूँ। जब आप मैसेज करेंगे मैं तब तब जवाब दूँगा आप लोगों को। बाकी लास्ट बट नॉट लीस्ट, आखिर की तरफ जाते हैं अपनी गुफ्तगू के आखिर तक, और वो ये कि अपना ख्याल रखें। ओमिक्रॉन है, मेरा ख्याल है ओमिक्रॉन वेरिएंट है इसका, कोरोना वायरस का, वो भी बढ़ चढ़ के बोल रहा है, ऐसे खुले डुल्ले मुंह से बोल रहा है अपने बड़े मुंह से। तो इसलिए वैक्सीनेटेड नहीं हो भाई, खुदा का वास्ता वैक्सीनेशन लगवा लो, वैक्सीनेटेड हो जाओ, कुछ नहीं बिगड़ जाएगा तुम्हारा, 2 टीके लगने हैं और मतलब बेहतर हो जाएगा ना काम। अच्छा अच्छा अच्छी चीज़ है यार, खान साहब ने प्रेशराइज़ कर रहे हैं, किसी वजह के तहत प्रेशराइज़ कर रहे हैं। माना, मैं मानता हूँ पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, चीज़ें बहुत महंगी हो गई हैं, माँ की आँख आटा तो आसमानों को छू रहा है, आटे की कीमत आसमानों को छू रही है, लेकिन भाई बहनों बच्चों, पेट्रोल आज भी पाकिस्तान में सस्ता है दुनिया के मुकाबले में। तो इसलिए ख्याल रखें, अपने गिर्द नवाह का ख्याल रखें, और बचें, बीमारियों से बचें, अपना इम्यून सिस्टम अच्छा रखें, और स्टे इन टच, स्टे कनेक्टेड। और मैंने आपको डेट्स भी बता दी हैं, तो पहले तो मैं सोच रहा था कि लाइव सेशन करें उस दिन, सेशन कहूँगा या लाइव शो, लाइव होता है, हाँ लाइव शो, कि जी मैं जा रहा हूँ तो सब्सक्राइबर जो है वो देखे, इतने हैं नहीं इसे लाइव शो पे आएंगे नहीं, तो इंशाल्लाह व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।